देखिए भाई, सलार का प्रमोशन चालू हो चुका है, वो भी बस सभी छोटे स्केल पर। केवल प्रशांत नील अब हिंदी मीडिया को एक इंटरव्यू दिए हैं, जहां तो सबसे पहले उनका बोलना है सलार एक दो दोस्त की कहानी है। जी हाँ, इसमें केजब जैसा माँ वाला सेंटिमेंट नहीं है, बल्कि प्रशांत नील सलार में दो दोस्त का सेंटिमेंट डाले हैं। उनके अनुसार सलार के दो दोस्त ही आगे जाके दो कट्टर दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के। और आप तो जानते हैं सलार में दो दोस्त है कौन, एक प्रभास और दूसरे पृथ्वीराज सुकुमारन, जो शुरू में बड़े अच्छे दोस्त होंगे सलार के फिल्म में। वैसे सलार में प्रभास कमांडर है, राजा के बेटे पृथ्वीराज सुकुमारन है, यानी बुरराज मनार। और रही बात केजब से कनेक्शन की, तो उससे रिलेटेड एक बुरी न्यूज आ गई है। प्रशांत नील का बोलना है सलार एक अलग कहानी है, सलार की दुनिया अलग है रॉकी की केजब से, और सलार का स्टोरी लाइन भी केजब से हटके किए हम। यानी कि भाई, केजब यूनिवर्स जैसा कोई चीज हमारे इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब जो हम वाले कंपनी बोला था हम कोलाइजन करेंगे केजब 3 में, वो सब झूठ निकला। पता नहीं भाई हम वाले कंपनी आखिर क्यों पलट गया, इतने साल से वही खुद हाइप बना दिए थे केजब यूनिवर्स के बारे में। खुद ही हम वाले कंपनी के मालिक विजय करीगुंदर ने बोला था केजब 2 के बाद, भैया हम भी मार्वल के जैसा अपना यूनिवर्स बना रहे। और जब फैंस को यूनिवर्स देने का समय आया तो वो पलट गए। बाकी भाई, सलार केजब यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, इस बात से आप दुखी हैं या खुश हैं हमें जरूर बताना कमेंट में। देखिए, केजब यूनिवर्स के बाद स्पाई यूनिवर्स से भी एक बड़ी बेकार न्यूज आ गई है। एक्चुअली में 2 महीना पहले बोला गया था YRF अपनी वार 2 फिल्म को 2025 के 25 जनवरी को रिलीज करेंगे, लेकिन अब उन्होंने वार 2 का रिलीज डेट ऑब्वियसली बढ़ा दिए हैं। अब NTR और ऋतिक रोशन की वार 2 फिल्म 2025 के 14 अगस्त के दिन रिलीज होगा, और साथ में टाइगर वर्सेस पठान भी और पोस्टपोन होने वाला है। ये सलमान खान और शाहरुख खान की स्पाई फिल्म 2026 के बाद ही रिलीज हो सकता है। वैसे जल्द ही दिसंबर महीना में अयान मुखर्जी एक और वार 2 फिल्म का शूटिंग शेड्यूल चालू करने जा रहे हैं ऋतिक रोशन के साथ। सलार के प्रशांत नील एक और बड़ी बात फिल्म से रिलेटेड बोल दिए हैं। एक्चुअली में सलार के अंदर प्रभास एक जेंटलमैन इंसान का कैरेक्टर प्ले किए हैं, उनका हमें इनोसेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब उस इनोसेंट सलार को गुस्सा आएगा तो वह तबाह कर देगा पूरे साम्राज्य को। और हाँ, साथ में प्रशांत नील यह भी बोल दिए हैं, मैं तो सलार का स्टोरी यश के केजब से पहले ही लिख दिया था, और ये सलार का स्टोरी पूरे 6 घंटे की है, इसलिए सलार पार्ट 1 सीज फायर में आधा कहानी हम दिखाएंगे और आधा कहानी हम सलार के दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। लेकिन हाँ, प्रशांत नील का बोलना है सलार 2 का आने में काफी ज्यादा समय लगेगा, उससे पहले वो NTR की 31 और यश की केजब 3 फिल्म बनाएंगे, और तब उसके बाद वो प्रभास की सलार 2 फिल्म बनाने जाएंगे। खैर, पहले सलार पार्ट 1 सीज फायर देख लेते हैं। उस 3 घंटे की फिल्म में प्रशांत नील हमें क्या क्या चीज दिखाते हैं 22 दिसंबर को। देखिए, पंकज त्रिपाठी जी कड़क सिंह फिल्म के बाद एक और फिल्म रिलीज करने वाले हैं, वो अभी सिनेमा के अंदर, जिसका नाम है मैं अटल हूँ, जो एक्चुअल में बायोपिक है हमारे देश के एक बड़े अच्छे PM श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उनका ही कैरेक्टर पंकज जी प्ले किए हैं इस मूवी के अंदर। और अब इसका रिलीज डेट भी रिवील हो चुका है, ये मैं अटल हूँ फिल्म अगले साल 19 जनवरी को ही रिलीज होगी। यानी कि भाई, ऋतिक रोशन की फाइटर और चयान विक्रम की थंगलान से 6 दिन पहले ये फिल्म सिनेमा के अंदर। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अटल हूँ फिल्म के लिए, क्योंकि इस फिल्म के हीरो हैं पंकज त्रिपाठी जी, और इसको डायरेक्ट किए हैं रवि जाधव, जो एक मराठी डायरेक्टर हैं। और इसी फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक फेमस डायलॉग भी आपको सुनने को मिलेगा, जो बोले थे पार्लियामेंट में, ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देखिए, अक्षय कुमार की मिस्टर रानीगंज भारत इसकी फिल्म फाइनली OTT पर रिलीज होने जा रहा है, वो अभी 1 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के ऊपर। वैसे फिल्म का बजट था 55 करोड़, क्योंकि अक्षय कुमार इस फिल्म को करने के लिए अपना फीस नहीं लिए थे, और तब पर भी इनकी भारत इसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। सिर्फ 45 करोड़ ही कलेक्शन कर पाया फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जबकि फिल्म काफी अच्छी थी। खैर, इसके बाद अक्षय कुमार की उड़ान रिमेक ही रिलीज होगा अगले साल के फरवरी महीना में, तो इसी फिल्म से कुछ अपडेट आने का अब इंतजार किया जाए।
रणबीर कपूर के एनिमल और विकी कौशल के सैम बहादुर फिल्म का एडवांस बुकिंग ओपन हुए अब 4 दिन हो चुका है इंडिया में, जहां एनिमल का 4 दिन में 5 लाख से ज्यादा टिकट सोल्ड हो चुका है एडवांस बुकिंग में, और जिसके चलते एनिमल का अब तक 14 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हो चुका है इंडिया में एडवांस बुकिंग से। और हाँ, एनिमल का इस समय अमेरिका में काफी ज्यादा टिकट सेल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के टाइगर 3 से ज्यादा बड़ा ओपनिंग रणबीर कपूर की एनिमल करेगा USA के अंदर 1 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस के ऊपर। अब रही बात विकी कौशल के सैम बहादुर की, तो भाई सैम बहादुर का कलेक्शन भी अब जाकर 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। जी हाँ, सैम बहादुर का कलेक्शन 1 करोड़ 24 लाख हो गया है एडवांस बुकिंग के अंदर इंडिया में। और हाँ, अजनानी के हाय पापा फिल्म का प्री रिलीज इवेंट वाइजैक में होने जा रहा है, और शायद ही नानी के रिलीज इवेंट में कोई दूसरा सुपरस्टार जाएगा चीफ गेस्ट बन के। खैर, देखा जाए नानी के हाय पापा का रिलीज इवेंट में क्या क्या होता है। अब चलिए बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं। देखिए, टाइगर 3 ने जहां मंडे के दिन 2 करोड़ 80 लाख रुपए कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, तो वहीं कल मंगलवार के दिन टाइगर 3 ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाई की है पूरे इंडिया में, जिसमें से साउथ मार्केट से भी 8 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है टाइगर 3 का। और इसी के साथ सलमान खान के टाइगर 3 का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 17 दिन में 276 करोड़ 25 लाख रुपया हो चुका है, और वर्सेज मिलाकर टाइगर ने 553 करोड़ कमाई की है पूरे दुनिया के मार्केट में। बाकी भाई जस्ट 2 दिन में रणबीर कपूर के एनिमल और सैम बहादुर भी रिलीज हो जाएगा, जिसके बाद टाइगर 3 के लिए इतना भी कलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा बॉक्स ऑफिस के ऊपर। शायद जल्द ही सलमान खान की टाइगर 3 सिनेमा से उतर भी जाए एनिमल और सैम बहादुर फिल्म दोनों का कंटेंट अगर अच्छा हुआ तो। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।